उर्दूभाषी और जन जन के लाडले हमारे विधायक माननीय सुरेंद्र सिंह जी राठौर साहब। साथ ही हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज के मुख्य अतिथि का माननीय राठौर साहब, जो कि उर्दूभाषी है और लोकप्रिय है और आप सबके लाडले हैं। आपका भी हम तहे दिल से इस सभा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ में हमें प्रसन्नता हुई है उन ऐसे व्यक्तित्व की धनी जो हमारे राजस्थान के कोने कोने में जाकर भील समाज को एक एकता के और शिक्षा के सूत्र में बांधने का जो काम कर रहे हैं। हो तुम प्रकाश पुंज, देते हो ज्ञान रूपी उजाला, भरते हो जीवन में उमंग और उत्साह, जो है अद्भुत और निराला। ये व्यक्तित्व है माननीय शीतल जी भाई साहब, चित्रमल जी खटकी साहब, जो कि पूरे झालावाड़ से आप लोगों के समाज के दर्शन करने के लिए पधारे। आपका भी हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। समस्त मंच में मैं नाम न लेकर मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी विशाल जनसंख्या, विशाल जनसभा में जो आप पधारे। आपका हार्दिक स्वागत करते हुए संक्षिप्त मेरी दो बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चरणों में नमन, साथ ही राणा पुंजा के चरणों में नमन करते हुए मेरी बात को आरंभ करता हूं। मेवाड़ की धरा वो धरा है जो बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही विश्वसनीय है, बहुत ही शानदार है। इसका उदाहरण में आपको देखने को मिलेगा। एक बार अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, वो हिंदुस्तान आने के लिए तैयार हुआ तो जो घर से निकला तो अपनी माँ को कहा